आज से बड़ी खबर आ रही है, न्यायालय में एडीजे 10 ने दहेज प्रताड़ना केस में फैसला सुनाया है। आरोपी पति को 20 वर्ष की सजा सुनाई है, आरोपी सास को 10 साल की सजा सुनाई गई है। विवाहिता को प्रताड़ित करने और हत्या के आरोप में ये फैसला सुनाया गया है। धनबाद जिले के गांधीनगर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से, जिसमें आपको बता दी कि विवाहिता को प्रताड़ित करने के आरोप में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपी धनबाद जिले के रहने वाले हैं, जिसमें धनबाद न्यायालय में एडीजे 10 ने दहेज प्रताड़ना को लेकर फैसला सुनाया है। आरोपी पति को 20 साल की सजा सुनाई है, वहीं आरोपी सास को 10 साल की सजा सुनाई है। तो विवाहिता को प्रताड़ित करने और हत्या के आरोप में यह फैसला सुनाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या है पूरी खबर? देखिए, पूरी खबर यह है, 2007 में रांची की रहने वाली एक युवती की शादी धनसार में मणिभूषण नाम के युवक से हुई थी। 2016 में शादी, माफ कीजिएगा, 2017 में शादी हुई थी और शादी के कई 6 महीने बाद युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। और ये प्रताड़ित करने के बाद पंचायत भी बैठे और उसमें जो दहेज के कुछ पैसे थे वो दिए गए, तो उसके बावजूद भी प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर घर में जान से मार दिया गया था। और उसके बाद मामला दर्ज किया गया था धनसार थाने में, जिसमें की जो आरोपी सास है और आरोपी पति दोनों को आरोपी बनाया गया था और दोनों के खिलाफ धनबाद न्यायालय में मामला चल रहा था। और आज बहुत बड़ा फैसला आया इस मामले में, जो आरोपी पति है उसे न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है और जो आरोपी सास है उनको 10 वर्ष की सजा सुनाई। और अब तक ये कहा जा रहा है कि जो पीपी है यहाँ के, उन्होंने बताया कि इस मामले में न्यायालय ने अब तक बड़ी सजा सुनाई है, क्योंकि दहेज हत्याकांड में अब तक किसी भी आरोपी को 20 साल की सजा नहीं सुनाई गई थी। जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि धनबाद जिले के गांधीनगर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी और आरोपी पति को 20 साल की सजा सुनाई गई है, वहीं आरोपी सास को 10 साल की सजा सुनाई गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।